अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्कूल का पीटी पीरियड। सुबह का वक्त बच्चों के लिए सेहतमंद होता है और जब स्कूल में आनंददायी प्रार्थना गाते हैं तब वो और भी ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना गा रहे थे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलें एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्रार्थना के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक एक कर सभी बच्चे आज का परिपाठ देने लगे। आज शनिवार है, आज का सुविचार स्वास्थ्य ही संपत्ति है। गट्टू के बाद चिंकी अपना परिपाठ देने गई। आज का सुविचार आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का परिपाठ खत्म हुआ। बच्चों, गट्टू और चिंकी ने आज जो सुविचार हमें सुनाया है उससे लेकर मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है, हमारे पीटी टीचर के ट्रांसफर की वजह से एक महीने से पीटी पीरियड नहीं हो रहा है और अब मुझे बताने में खुशी हो रही है, हमारे स्कूल में नए पीटी टीचर आए हैं। स्कूल के नए पीटी टीचर सबके सामने आकर खड़े हुए। पीटी टीचर को सामने खड़ा देख बच्चों के मुंह बिगड़ गए, क्योंकि स्कूल में किसी को पीटी पीरियड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बच्चों, जैसा कि गट्टू और चिंकी ने अपने सुविचार में कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्कूल में हर शनिवार परिपाठ के बाद पीटी पीरियड लिया जाएगा और आज पीटी पीरियड होगा। नए पीटी टीचर बच्चों के उतरे हुए चेहरे को नोटिस कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नए पीटी टीचर तुमसे कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। आरोग्यम धन संपदा, ये मंत्र हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें खासकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको पीटी कराऊंगा, मुझे यकीन है कि आप सभी इंजॉय करेंगे। सभी बच्चे कुछ ही देर में पीटी यूनिफॉर्म में ग्राउंड पर आकर जमा हो गए। अरे बाप रे, आज पीटी पीरियड है, पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये सर भी काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सही कहा गट्टू, ये सर स्ट्रिक्ट लग रहे नहीं, स्ट्रिक्ट ही है। देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे, मुझे तो पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ आज का पीटी पीरियड बहुत थकान भरा होने वाला है, कितना अच्छा था जब पीटी टीचर ही नहीं थे। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज सर दर्द का बहाना कर लूंगा ताकि मुझे धूप में खड़े रहकर पीटी ना करनी पड़े। गट्टू ऐसा मत करो, सभी थोड़ी ना सर दर्द का बहाना कर सकते हैं। पीटी टीचर के ग्राउंड पर आते ही बच्चों में बातचीत बंद हो गई। ठीक है बच्चों, हम हमारा पीटी पीरियड शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। आज पहला दिन है तो मैं तुम सबको खुद करके दिखाऊंगा। पीटी टीचर अपने साथ एक ट्रेनर को लेकर आए थे जो ड्रम बजाकर इंस्ट्रक्ट कर सके। सावधान, और सभी बच्चे सावधान होकर खड़े हो गए। विश्राम, और सभी बच्चे विश्राम होकर खड़े हो गए। सावधान। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ट्रेनर ने ड्रम बजाना शुरू किया। टीचर ने पीटी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया। ड्रम के बीट पर पीटी टीचर एक एक कसरत करने लगे। हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। पीटी का एक राउंड कंप्लीट होने पर पीटी टीचर ने ट्रेनर को ड्रम रोकने के लिए कहा। अब हम पीटी की अहम कसरत करेंगे, सावधान, विश्राम, सावधान। अच्छा, तो अब सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। ड्रम बजने लगा। पीटी टीचर ने अपने दोनों हाथ हवा में किसी पंछी की तरह ऊपर नीचे किए और ड्रम के इंस्ट्रक्ट होते ही सर ने अपने सर के ऊपर ताली बजाई। सभी शुरू करो। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा।
सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ड्रम अचानक स्पीड में बजने लगा। उसी तरह बच्चे जोर से अपने हाथ हवा में उड़ाने लगे। बंटी तो बीच में रुक गया। सर के देखते ही बंटी फिर से शुरू हो गया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर जिद पर कसरत कर रहे थे। काफी देर तक पीटी कसरत चली, फिर ड्रम बंद हुआ। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। अब मैं तुम सभी को कलरफुल हर्डल्स पर कसरत कराऊंगा। हर्डल्स? वो तो बड़ी बड़ी रेसेस में यूज होता है सर। यस गट्टू, मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे फ्यूचर में बड़ी बड़ी रेसिंग्स में हिस्सा लें और जीते भी। इंस्ट्रक्टर ने झटपट कलरफुल हर्डल्स ग्राउंड पर रख दिए। अच्छा, तो अब सभी बच्चे इस कलरफुल हर्डल्स के सामने खड़े हो जाएं। पहले गौर से मेरी ओर देखना, ठीक है? पीटी टीचर ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब पीटी टीचर ने अपना एक पैर ऊपर उठाकर हर्डल के ऊपर से होकर जंप लगाई। ऐसे कर टीचर ने 7 हर्डल से नी जंप का रन लगाया। समझ गए बच्चों? तभी इस तरह से करेंगे। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन गट्टू, तुम तो पीटी पीरियड में सरदर्द का बहाना करने वाले थे ना? अरे चिंकी प्लीज, पीटी टीचर सुन लेंगे। मुझे पूरा पीटी पीरियड अटेंड करना है। सभी हंस पड़े। एक एक कर सभी ने सर की तरह हर्डल्स को रन किया। वाह सर, बहुत मजा आया। यस सर, हमने नई पीटी कसरत सीखी। आपने अलग तरह की पीटी करवाई, इसीलिए हमने एंजॉय किया। मैं तो अगले सैटरडे का वेट कर रही हूँ। बच्चे थक गए, लेकिन सभी ने एंजॉय किया। गुड गुड, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर, अभी और करना है। हफ्ता हुआ बंटी बोल पड़ा और सभी हंस पड़े। अरे बंटी, आज का पीरियड यहीं तक था। और हाँ, पीटी पीरियड को लेकर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम हर सैटरडे होने वाले पीरियड के लिए 2 मॉनिटर चुनेंगे, जो सबको सामने खड़े होकर गाइड करेंगे। क्या सर, पीटी पीरियड का मॉनिटर भी होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हर पीरियड में पीटी पीरियड का मॉनिटर रखता हूँ। और हमारे अगले पीरियड के मॉनिटर है गट्टू और चिंकी। अगले शनिवार तुम दोनों सामने खड़े रहकर बाकी सभी बच्चों को पीटी के मूवमेंट कर गाइड करोगे। लेकिन सर, क्या हम ठीक तरह से कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक से कभी पीटी किया ही नहीं है। हाँ गट्टू चिंकी, मैंने तुम दोनों को ध्यान से देखा। तुम काफी अच्छी कसरत कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों नेक्स्ट पीटी पीरियड के मॉनिटर हो। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह से गट्टू और चिंकी पीटी का असली मतलब समझ सके और उन्हें पीटी पीरियड का मॉनिटर बनाया गया। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा। मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए, लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने। गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई। उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? कितना डर गई थी मैं, पता है? मैं नहीं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे? बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया, उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब
सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान। ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची। दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था, रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैंस का ढेर हो गया और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू, ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें, पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन, चिंकी बता रही थी, जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुँचाना चाहता हूँ या फिर किसी को डराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूँ। गट्टू समझ नहीं पाया था लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहाँ से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाओ पापा, फुटबॉल, मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका, उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड, देखना सर, एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो, हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच। हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था, अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, दो टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे, गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा, इसकी